जी क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? क्या कहलाता है क्लाइमेट की अगर बात करूं तो? क्लाइमेट होता क्या है, क्या चीज एग्जैक्टली हम कंसिडर करेंगे? सुनने में ओके, लगभग 31 साल, लगभग 31 साल। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्लाइमेट में क्या पढ़ाने वाला हूं। दूसरा, मैं यूट्यूबर्स को बताना चाहूंगा कि अब मेरी लाइव क्लास सुबह 7:20 से स्टार्ट हुआ करेगी। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए थे, मैसेज आया कि उन्हें ऑफिस जाना पड़ता, वो क्लास नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गैदर करें। तो आज तो मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा, क्योंकि आज स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मेरी लाइव क्लास कितने बजे से है। आपको हर दिन, मेरा क्या स्वार्थ है इसके अंदर? मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। जो मैं 8:15 पढ़ाऊंगा वो अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, आपका फायदा मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अभी 9 बजे जितना भी इसे कंप्रेस करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो लाइव क्लास का टाइमिंग चेंज हो चुका है, सुबह 7:15 मैंने कर दिया। 7:15 शार्पली मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, और जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। वहां भी मेहनत लग रही है, यहां भी मेहनत मेरी लग रही है। ओके, तो हम क्लाइमेट के अंदर पहले पढ़ेंगे क्लाइमेट होता क्या है और क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या होता है। क्लाइमेट कंट्रोल में 6 मैक्स बहुत सारे होते हैं। तो जलवायु बात है, जलवायु की, तो बेसिकली जो जलवायु मतलब हम कहते हैं मौसम, मौसम। तो जो मौसम जो शब्द है, मेरी बात आराम से समझेगा, जो मौसम शब्द है वो कई भाषाओं से उसकी उत्पत्ति की गई है, कई लैंग्वेजेस से वो बन के आया है। जैसे मैं बात करूं अरबी भाषा के मौसम से, मौसम, या मलयालम भाषा के मानसून से, इन दोनों का ही मतलब होता है ऋतु। क्या मतलब होता है? ऋतु, ऋतु मतलब सीजन। ऋतु में बदलती है, कभी बसंत ऋतु आती है, हम बोलते नहीं बोलते, कभी बसंत ऋतु आती है, कभी मतलब शरद ऋतु आती है, कभी ठंडी शीत ऋतु आती है। तो यानी जो शब्द है मौसम, वो एक जलवायु मतलब जो मौसम शब्द है उसका मतलब क्या है? एक प्रकार की ऋतु, ऋतु मतलब सीजन्स। मैं यहां इंग्लिश में लिख रहा हूं सीजन, सीजन से, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सीजन से, ठीक है, सीजन से तात्पर्य है तो हम जो ऋतु हैं वो मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करो, पिछले साल सूखा पड़ा था, तो क्या आप मध्य प्रदेश को एक प्रकार का सूखा स्थान घोषित कर सकते हैं? पिछले साल सूखा था, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि जो जलवायु है यानी जो ऋतुएं हैं वो कई सालों तक अगर एक ही समान बनी रहती है, लगभग 31 साल, 31 ईयर तक, तो लगभग 31 ईयर तक अगर ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता तो वही चीज, वही ऋतुएं उस क्षेत्र की जलवायु यानी क्लाइमेट मान ली जाएंगी। क्या मान ली जाएंगी? कंसीडर क्लाइमेट। एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक बहुत लंबा समय है, लगभग 31 सालों तक। हम पिछले साल सूखा पड़ा यही कहेंगे, हायराम मध्य प्रदेश तो सूखा भरा पड़ा है, यहां नहीं बसना, यहां तो है ना रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती। नो, इस साल देख लो, या सो नो। तो मेरी बात आराम से समझ रहे हो? कैमरा ऑन है ना? ओके, ये भी हमारे बच्चे, इनको कुछ सही गाइडेंस दे देते हैं। भूलना मत 7:15 मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाइव, जिससे तुम आराम से पढ़ सको, फिर खाना बना सको, खाना खा सको, जॉब पे जा सको। ओके, कल से, तो आप तो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, कल से लाइव क्लास रहेगी। तो बात आती है कि ऋतु समझ में आई मुझे, ऋतु मतलब सीजन। सीजन आप जानते हो हमारे देश के 4 मुख्य सीजन है, एक मतलब हमारा है सर्दी, एक गर्मी, एक बरसात और एक शरद, ठीक है, ऑटोमन सीजन। वैसे तो बहुत सारे, स्प्रिंग सीजन भी है, ठीक है। तो समझ में आया क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु, क्लाइमेट मतलब एक मौसम होता है,
जलवायु, जलवायु मतलब अब मेरे दूसरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था, ऋतुओं पे हम पहला कॉन्सेप्ट पे क्लियर किया। अब मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट ये ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं, हाउ सीजन चेंज। मेरी बात क्लियर हो रही है, हाउ सीजन चेंज, हाउ सीजन चेंज, हाउ इट चेंज। तो ये किस कारण होता है? देखो सर्दियां होती हैं तो ठंडी हवाएं आ जाती हैं, तो गर्मी होती है तो लू चलती है, लोकल विंड्स, हमारे भारत की लोकल विंड्स लू है तो लू चलती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट कंडीशन है वो विंड्स पे डिपेंड है, पवनों पे डिपेंड है। हाँ या ना भाई, गर्म पवने चलेंगी तो सीजन बदलेगा, गर्म हो जाएगा, वेदर कंडीशन चेंज, क्लाइमेट चेंज रहेगा, मतलब जलवायु बदली, कहीं कहीं मतलब कभी ठंडी हवा चलेगी तो ठंडा आएगा, गर्म चलेगी तो गर्म हो जाएगा। और हमारे जो देश है उसकी जो जलवायु है मुख्यतः, वो हमारी जो जलवायु वो मानी जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल रीजन की मानसून जो हमारी क्लाइमेट कंडीशन वो हमारी इंडिया की मानी जाती है, ट्रॉपिकल रीजन। अब आप पूछोगे ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है भाई, क्या होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखो ये है हमारी अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, ये है एशिया और ये है भारत, ओके। अब यहां से मैं इधर पड़ा मान लेता हूं, ये निकल रही कर्क रेखा, आठ राज्यों से होती गुजर रही है कैंसर, ये है अक्षांश, भूमध्य रेखा जीरो पे है और यहां से हमारी अक्षांश है, ठीक है, 23.5 डिग्री। जो वीडियो में देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं उन्हें मालूम है, ये बहुत अच्छी चीज है मालूम है, लेकिन क्या है, और मैं आप ही के लिए भी बोल रहा हूं, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा ये छोटी छोटी चीज किसी को, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स इनको नहीं मालूम है ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, ठीक है। और पढ़ाई एक ऐसी है कि अभी मैं भी खुद अपने आप को जीरो मानता हूं, मैं इतना पढ़ रहा हूं अभी भी मैं भी जीरो हूं, मैंने कुछ नहीं सीखा, 17 साल बिता दिए पढ़ पढ़ के, 2003 से कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूं, लेकिन आज भी मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, तभी तो अनअकैडमी वाले मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि मुझे ज्ञान जीरो है। तो कोई भी जो देख भी रहा हो, आप लोगों से भी निवेदन है, कभी भी स्मार्ट नहीं बनना है किसी को भी, मैं भी जीरो हूं, हम भी कहते हैं कि हम जीरो हैं, ठीक है ना। इवन हमारी मम्मी तो कहती थी हम तो बिल्ली के गूं हैं, आज भी कहती हैं हमें मम्मी कि आप तो बिल्ली के गूं, हम उनसे एक बात करते हैं आप हमें बिल्ली का गूं क्यों बोल रही हो, हमें बोलती, तो वो कहती है हम, मैं कहता हूं गाय का गोबर बोलो, भैंस का बोलो, तो कहती है वो काम आता है, वो लीपने के काम आता है, पोतने के काम आता है, कंडे जलाने के काम आते, तुम ससुर किसी काम के नहीं हो। तो सच्चाई है जब हम इस मानसिकता से बढ़ेंगे कि अभी हम जीरो हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे अरे ये क्या बता रहे हैं सर, कर्क रेखा और आप में भी उष्णकटिबंध हमें मालूम है, अगर तुम्हें मालूम है ससुरे तो रामा शास्त्री की थ्योरी बता दो जो क्लाइमेट रीजन के बराबर है, आरएल वर्ग की थ्योरी बता दो जिन्होंने है ना 32 वर्ग डिवाइड कर दिए भारत के क्लाइमेट रीजन के, वही टाइट हो गई। हम छोटे से, हमारी फितरत होती है कि हम छोटे से ज्ञान पे बहुत चलते हैं, लेकिन वो गलत है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो जीरो मान रहे हैं, हम तो जीरो हैं। तो इसलिए मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को देख के हम बेसिक से एकदम टॉप पे आएंगे, क्लियर है ना। तो प्लीज फोकस करो, 3 लेक्चर लूंगा आज का, कल का, आज क्या है 18 जुलाई, कल 19 जुलाई, 20 जुलाई को क्लाइमेट खत्म, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, यस ओ नो, ओके। तो ये बात आई, मतलब अच्छा इंसान बनना है वो बने नहीं रह जाना जो मम्मी हमें अभी भी कहती हैं, ओके। तो बात आती है ये जो कैंसर लाइन है, ठीक है, कैंसर मतलब कर्क रेखा, ओके, 23.5 डिग्री पे ऊपर आर्कटिक रेखा होती है, तो आपको मालूम है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक लाइन होती है, ये कैंसर लाइन होती है, नीचे कैप्रिकॉर्न होती है, मकर रेखा जिसे कहते हैं बेटा, और उसके भी 66.5 पे आर्कटिक रेखा होती है, अंटार्कटिक रेखा, क्लियर है। तो हमने क्या डिवीजन किया है फ्रेंड्स, कि ये जो इक्वेटर है इसके 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भाई उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध जो भी है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाएंगे। ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्ण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? उष्ण मतलब गर्मी, तो समझ में आता है उष्ण ट्रॉपिकल मतलब गर्मी, तो क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, ये है इक्वेटर, और ये जो 23.5 डिग्री है इट्स अ वेरी नियर एरिया नियर इक्वेटर, हाँ या ना? दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट ये गर्मी वाला क्षेत्र है। तो जो कर्क रेखा हमारे भारत से विदिशा से निकल रही है, आपने देखा हो विदिशा जाओगे तो विदिशा से काटते हुए निकल रही है, अभी कहीं जाते हैं तो लिखा है बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा कर्क रेखा का। तो ये जो है हम इससे गर्म रीजन मानते हैं, और कर्क रेखा से जितना ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री से ऊपर जितना फ्लो करते जाओगे वो वाला रीजन शीतोष्ण कटिबंधीय माना जाता है, टेम्परेट जोन। क्या माना जाता है? टेम्परेट जोन प्लस 23 दैट वी कॉल 23.5 टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन माना जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई नीचे गर्मी है और ऊपर ठंडक है, इसे मिटा दूं, ये समझ में आ गया होगा अब तो। टेम्परेट जोन कहां पर है और टॉरिड जोन कहां पर होता है, ट्रॉपिकल जोन तो समझ में आ गया। ओके, तो सीजन कैसे बदलते हैं और सीजन, तो सबसे पहली बात है कि जैसे मैं बात कर रहा था हमारा सीजन चेंज क्या होते हैं, तो सीजन चेंज होते हैं हवाओं से। भाई गर्म हवा आएगी तो गर्म हो जाएगा ठंडक, कभी कभी देखा है कि बरसात में ठंड लगने लग जाती है, इवन हम एसी बंद कर देते हैं, हाँ या ना? तो गर्म कुछ दिनों में गर्मी आ जाती है और ठंड के दिनों में ठंडक आ जाती है, यस और नो? तो ये होते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मतलब पवन है, तो हमें पवनों को समझना जरूरी है, और सिर्फ पवन ही नहीं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंट्रोल थिंग्स हैं जो भारत को क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। यानी पवनों तो ठीक है, लेकिन पवने आती कैसे है, कहां से आती है, किस प्रकार ये क्लाइमेटिक फैक्टर वर्क करता है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आया जलवायु क्या होती है, ये मेरा क्लाइमेट मतलब जलवायु, जलवायु मतलब मौसम, मौसम मतलब ऋतु, मानसून कह लो या मौसम कह लो, मतलब होता है ऋतु, और ऋतुएं बदलती हैं, तो ऋतुएं बदलती क्यों है पहला चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो हवाएं होती हैं वो मैटर करती हैं, जो हवाएं चल के आ रही हैं वो मैटर करती हैं। तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट, तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके, अब मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। देखो, तो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं क्लाइमेटिक चेंज कंट्रोल एरिया, ठीक है, ये जलवायु को चेंज कैसे किया जा सकता है, कौन इफेक्ट करते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी वाले नोट कर लेना, आप जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको, इंडियन क्लाइमेट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है लैटिट्यूड एक्सपेंशन, लैटिट्यूड लिख लो, यानी अक्षांश, कोशिश कर रहा हूं समझ में आ जाए, अक्षांश लैटिट्यूड एक्सपेंशन। ठीक है, अब भाई लैटिट्यूड एक्सपेंशन कैसे भारत के जलवायु के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, ये मैटर करता है। तो देखो लैटिट्यूड को समझो, ये है भारत, एक रफ फिगर बनाया मैंने, ठीक है। अब यहां से ये जो कन्याकुमारी बात करूं, तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी, मेनलैंड का जो मेन लेग है, कितना डिग्री पे, 8 डिग्री, हाँ या ना? 6-4 तो ग्रेट निकोबार है यार, ऊपर इंदिरा कौल, इंडिया का एक्सपेंशन कितना है, लैटिट्यूड एक्सपेंशन कितना है, 37 भूल गई बिटिया, याद नहीं यार, ये सोच रही पता लग जाता तुम क्या कब भूल रहे हो कब नहीं कर रहे, 37, हाँ या ना? अब आप सोचो इतना ज्यादा लैटिट्यूड एक्सपेंशन कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट पे असर डालेगा ही डालेगा, सोचने वाली बात है, हाँ या ना? कैसे, देखो याला पॉइंट भूमध्य रेखा के पास है, इक्वेटर के नियर है, याला पॉइंट इक्वेटर से दूर हो गया, भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3,214 किलोमीटर
तो ये एरिया तो ये दूर हो गया, नहीं हो गया किससे? इक्वेटोरियल रीजन से ये एरिया दूर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया नियर होगा वो गर्म होगी जलवायु, और जैसे जैसे हम अवे फार अवे हम मूव करेंगे अपवर्ड की तरफ, आई मीन टू से नॉर्थ की तरफ, तो जलवायु ठंडक होती जाएगी क्योंकि हम इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो सबसे पहले एक फैक्टर आप लिख सकते हो, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड, भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्लियर है? ओके, सेकंड, अभी लिखना नहीं है, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूं सारे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें नोट्स और दे दूंगा क्लाइमेट के, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनवा के रखे, अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, है ना? तो आप लेके जाएंगे नोट्स। रमेश हाजिर हो? कल नोट तुम छाप के लगवाए लाए लेके आए थे ना मैडम ने, करे तो वो देखो कहां है, लेके आओ जरा। इंग्लिश के कल लेके आए थे ना नीचे से, ढूंढ के ढूंढो कहां पर है, लेके आओ। तो दूसरा हमारा क्या है, पहला हो गया लैटिट्यूड, दूसरा हमारा क्या है, क्या मतलब समझ में आ रहा होगा ना बच्चों को? ओके स्टूडेंट्स तो है हमारे, तो सेकेंड हमारा एक्सपेंशन, सेकेंड क्या है हमारा, रिलीफ। रिलीफ मतलब उच्चावच, रिलीफ हिंदी में भी लिख रहा हूं उच्चावच। अब देखो भारत, मैं इधर एक भारत ही बना दू, बार बार नहीं बनाना पड़े मुझे, भारत में आपको पहाड़ भी दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं और प्लेन एरिया भी दिखाई देता है, या सोनू दिखाई देता है, फाइन ओके। अब ये जो एरिया है उच्चावच और नीचे, देखो ये कुछ नोट्स हैं, मैं कैमरे में इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं तुम्हें इसकी फोटो कॉपी फोटो खींच के भेज दूंगा। कल भी मैंने तुम्हें आप लोगों को 250 क्वेश्चन भेजे हैं आंसर के साथ। तो देखो आप लोग देखो, क्लाइमेट इंट्रोडक्शन, रिवर्स फ्लो ऑफ विंड, सीजनल वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बहुत है यार, बहुत मोटा सिर्फ क्लाइमेट के ही है करीब 30 पन्ने। आप सोच सकते हो कितनी डीपली होगा ये नोट्स मेरा। इसमें थ्योरीज हैं के एन राव, सीजे जॉर्ज और के एस रामाशास्त्री की हम पढ़ेंगे, बीएलसी जॉनसन की पढ़ेंगे, प्रीवार्ता की पढ़ेंगे, ये पकड़ो भी सभी पढ़ेंगे, तुम्हें क्या बताऊं। ये तुम्हारा इंग्लिश मीडियम के नोट्स, अभी हिंदी वालों कर देंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई लेवल की, क्योंकि मैंने इसमें करीब 7-8 थ्योरी डाली है। 7-8 थ्योरी तो खुल्लर में भी नहीं मिलेंगी जो तुम पढ़ते होगे किताब में उठा के, खुल्लर में भी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं कई किताबों का मिश्रण से, मैं आपको एनालाइज करके पढ़ा रहा हूं, खुल्लर में भी 7 थ्योरी नहीं दी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, जो बेस्ट माना, बहुत मोटी किताब मानी जाती थी, मोटी अरियंत में तो हो ही नहीं सकती ना उसमें, तो इनको आप सिस्टमेटिक कल लिखोगे पढ़ के आओगे, ठीक है? नहीं तो क्लास से बाहर जाओगे, एक ही उद्देश्य होता है हमारा। ओके, तो बात आती है कि जो रिलीफ है, अब कैसे देखो, आगरा ले लो और दार्जिलिंग ले लो, आगरा और दार्जिलिंग, ये रहा आगरा यूपी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। अब वो अक्षांश आ रही है, अब आप देखो हम सबसे ठंडा महीना कौन सा मानते हैं, जनवरी, ठीक है? जनवरी में जो अगर, चलो जनवरी छोड़ो, औसत तापमान अगर मैं दार्जिलिंग का ले लूं तो वो 4 डिग्री सेल्सियस है, कितना 4, और वहीं मैं आगरा का टेम्परेचर जो एक अक्षांश की गति के बता लूं मैं, तो वहां का 16 डिग्री सेल्सियस तापमान माना जाता है। सोचो अक्षांश में फर्क नहीं लेकिन तापमान में फर्क आ गया, तो सोचने वाली बात है कि जो चीज ऊपर है वह ठंडा ज्यादा है, जो चीज नीचे है वो ठंडी कम है, हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक रिलीफ हो सकता है या नहीं हो सकता, उच्चावच हो सकता है नहीं हो सकता, यस इट कैन, क्लियर हुआ? तो आपने पढ़ा रिलीफ, पहला क्या था, लैटिट्यूड, सेकंड क्या है, रिलीफ, ठीक है? फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में थर्ड हम बात हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी,
समुद्र से दूरी, ठीक है। देखो दो प्रकार की जलवायु होती है, एक होती है महासागरीय जलवायु और एक होती है महाद्वीपीय जलवायु। मतलब एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट होता है एक प्रकार का, और एक होता है ओशियन क्लाइमेट, महासागर ओशियन क्लाइमेट होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? हम ये पढ़ते हैं दोनों समझते हैं, भाई समुद्र से दूर है तो ये होगा और ये ऐसा, तो बात समझो इन फर्क क्या है। देखो आसपास बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आया ना, हिंद महासागर की उपशाखाएं कहते हैं ना, उपधाराएं, ये एक धाराएं हैं, बे ऑफ बंगाल हुई, ठीक है। अब क्या होता है, तुम आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो विशिष्ट ऊष्मा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो पानी की बहुत ज्यादा होती है। मतलब आई मीन टू से कि जो ऊपर क्लाइमेट है, पानी देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है, ये तो आपको मालूम ही है, आया ना, विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, यह सुनो। दूसरा जो स्थल मंडल है, मतलब जमीन कॉन्टिनेंटल एरिया है, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म, जो जल्दी ठंडा होगा वो जल्दी गर्म भी होगा जल्दी, तो इन दोनों की जलवायु बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो ओशियन है, जो मतलब जो समुद्र है, समुद्र का तापमान हमेशा ज्यादा नहीं होता। अगर हम देखें कोची का उठा लो, वहां तापांतर, मतलब तापांतर जानते हो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, रेंज, तापांतर क्या होता है, क्या मुझे पूछ रहा हूँ क्या कितना है, कितना जी नहीं, आप देखना जो कोस्टल एरियाज है, मालामार, कोरोमंडल, कोंकण, गुजरात, मतलब ताप्ती के नीचे का क्षेत्र पूरा है ना, यहां का पूरा क्षेत्र मालाबार हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, यहां तक का जो पूरा का पूरा एरिया है, और इधर का ले लो कोरोमंडल तमिलनाडु का, इधर का ईस्ट साइड एरिया ले लो, पूर्व का क्षेत्र ले लो, तो ये क्या कहलाता है हमारा, और ये क्या कहलाता है, कोस्टल एरिया कहलाता है। मैंने बताया था कोस्टल एरिया, भारत कोस्टल एरिया बहुत बड़ा एरिया है, 6083 की अगर बात करूं किलोमीटर एक लाइन, जो कोस्टल लाइन है 6083 किलोमीटर लंबी है, हम 6100 किलोमीटर कहते रहते हैं, प्लस इधर जोड़ लेते हैं अंडमान निकोबार को तो और इंक्रीज हो जाता है, टोटल करोगे तो 7516.6 चला जाता है। एनी वो नहीं पढ़ा रहा, मैं क्लाइमेट समझा रहा हूँ, आज का पहला लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि जो वे ऑफ बंगाल है यहां पे, ठीक है, यहां की जो जलवायु है उसमें आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगी या नहीं होगी, होगी, वहां पे वेपोराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, भाई जो ऊपर से ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी गर्मी जाती है, इसलिए मैं इसी चलाता हूं, तो यहां पे वेपोराइजेशन होता है, भाई यहां पे हवा उठती है और वेपोराइजेशन होता है, तो जो वहां की हवा है बेसिकली पवन है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, भाई जो वेपोराइजेशन होगा, आ जाओ ये नोट्स पकड़ो, क्लाइमेट, गुड मॉर्निंग, नोट्स दे दी तो गुड मॉर्निंग होगी, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं होगी, आई एम जस्ट किडिंग। तो ऊपर उठे, मैं क्लाइमेट समझा रहा हूँ, बहुत सारे डाउट्स हैं स्टिल, तो मैं तीन दिन ले रहा हूँ, आज का कल का परसों का, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो ओशियंस है, समुद्र है जो है, वहां वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन जानते हो ना, भाप बनना, गर्मी के मारे भाप बन के, तो वहां की जो जलवायु है, आप मुंबई, मुंबई विदाउट एसी सफर करना बड़ा दिक्कत हो जाता है, आप कूलर बंद करके बैठ जाओ, कमरा बंद करो कूलर चला लो, इतने तो ह्यूमिडिटी जाएगी कहीं सफोकेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है, भले कूलर चला उसकी फील नहीं होता ऐसे। तो यहां की जो एयर है, यहां की जो विंड होगी उसमें ज्यादा पानी की मात्रा होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, शुष्क तो होगी आर्द्र ज्यादा होगी, मतलब ठीक है ना, किसे हम क्या कहेंगे, वेट, काफी उसमें वेटनेस होगी, मतलब काफी गीलापन होगा, मतलब मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल है, जो कॉन्टिनेंटल है, हमारे इंडिया में तो ऐसे एरिया है यहाँ पे ड्राई, मतलब ड्राई एयर काफी शुष्क एरिया वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वर्षा कम होती है, वेपोराइजेशन ज्यादा हो जाता है, तो वो शुष्क हो जाती है, ठीक है ना, ड्राई एयर होता है, जैसे रेगिस्तान वाला क्या है, वर्षा बहुत कम है, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, तो चला जाता है, शुष्क एयर बन जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बारिश भी खूब होती है, भाई तमिलनाडु की तरफ में बारिश कब होती है, जब मानसून लौटता है,
बहुत बड़ा रीजन है, सब बताऊंगा आपको एक करके, यहाँ पे क्यों होती है, तमिलनाडु में ठंड में क्यों होती है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश हुआ यहाँ पे बारिश होती को, एनीवे तो यहाँ की जो जलवायु है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, वाष्पीकरण हो रहा है, भारी जलवायु है, ठीक है ना। उसी कारण विशिष्ट ऊष्मा ऊपर ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती, इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती। और जब ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही, अब मेरी बात समझिएगा, तो वहां का टेम्परेचर डिफरेंस मतलब तापांतर, मतलब जो दिन का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हो और रात का जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसे आपस में माइनस कर दो, क्या करोगे आप, दिन का जो तापांतर हम निकालते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जो हम देखते हैं, जो दिन का हाईएस्ट पीक टेम्परेचर होता है जो, और रात का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जैसे मान लो 30 डिग्री मॉर्निंग में, मतलब दिन में कभी भी घर दोपहर में जाएगा, हमेशा कभी 12 बजे नहीं जाता, तापमान जो बढ़ता है वो 3 से 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, कि 12 बजे सर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है तो वो वायुमंडल हमारा सोक करता है, तब धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है 51%। हम आपको आइसोलेशन प्रोसेस में इसको बताएंगे कैसे ये गर्मी 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा क्यों होती है, जबकि 12 बजे तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो उस समय ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं गर्मी को इंक्रीज होने में, वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है। हम एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे उसका, 2% कौन दे रहा है, जो बर्फ जमी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एनीवे तो तापमान तो मतलब दिन का 30 और रात का जो सबसे कम हो, मान लो रात में 10 पहुंच गया, तो इनका बीच में क्या है 20, मेरे पास समझ में आया नहीं आया 20, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दिन का और रात का माइनस करने के बाद वो ज्यादा नहीं होता, कुछ ही ले लो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा, एवरेज ही होता है उसका 28 से ऊपर होता है, वहां पर जो एवरेज माना जाता है नीचे कुछ जगह 28 से प्लस माना जाता है। सर्दियों में वहां सर्दी नहीं पड़ती, तो मालूम है ना जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, बैंगलोर चले जाओ वहां चले जाओ, वहां पर ठंड नहीं पड़ती ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ किस एरिए की वजह से, ठीक है ना। तो समुद्र किनारा क्षेत्र ज्यादा देर में गर्म रहता है, देर तक ठंडा होता है, तो वहां ज्यादा, तो कहने का मतलब है कि वहां पर ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता। वहीं दिल्ली आ जाओ, ये कौन सा था, ये ओशियन विंड्स के बारे में बता रहा था मैं, अब कॉन्टिनेंटल एरिया उसके कॉन्टिनेंटल एरिया हो जाओ, दिल्ली ले लो, दिल्ली का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तापांतर वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बताया स्थल जो जमीन होती है वो ज्यादा ठंडी हो जाती है और ज्यादा गर्म भी हो जाती है। दिल्ली का ठंड में जाके देख लो 8-10 तो वैसे ही आ जाता है, दिल्ली का तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, और दिन में देख लो 35 प्लस तो इजीली पहुंच ही जाता है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये है फ्रेंड्स हमारे टेम्परेचर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कहने का मतलब जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जाते चले जाएंगे तापमान में गिरावट फील होगी, अपने इधर मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं, समुद्र से दूर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होगी, और यहां पे रहेंगे तो हमारा वहां का भी क्लाइमेट चेंज, ये फैक्टर तो करता है, फैक्टर करता है। पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से तूफान जो आते हैं, खैर उलट ये समझ में आया मेरी बात, ओके फाइन। अब आता है हमारा तीसरा, पहला क्या था हमारा अक्षांशी विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन, दूसरा रिलीफ उच्चावच, हाई एरिया होगा तो वहां ज्यादा ठंडक होगी नीचे होगा, एक ही अक्षांश पे भी हो लेकिन नीचे गर्मी होगी मैटर करता है, ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया डिस्टेंस फ्रॉम द सी कि हम सी से, और क्या लगता है आपको कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं प्रियंका, एब्सोल्युटली, और स्ट्रीम है अलेनिनो, अलेनिनो साइक्लोन्स, वेरी गुड एब्सोल्युटली, बच्चे होशियार हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, पढ़ने वाले जितने ज्यादा हैं उतने ज्यादा पढ़ने वाले भी बच्चे हैं पृथ्वी पे मौजूद, हम डिमोटिवेट नहीं होते तुम्हारे आंसरों से। हिमालय की दीवार बचपन सुनते आ रहे हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है, एक कहावत थी ना, हम तो भाई
आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डीपीएस दिल्ली, तो वहां पे सीबीएसई बोर्ड चलता था हमारे, तो एक बड़ी सारी कहावत हमें मतलब कहानी पढ़ते रहते थे, खड़ा हिमालय बता तो भूल गए, कुछ ऐसी थी। तो क्या है हिमालय और किस प्रकार जो हिमालय है वो हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, ग्रेट वॉल ऑफ हिमालय, मैं तो ग्रेट वॉल ही कहूंगा, हमारी तो एक बहुत बड़ी दीवार ही है। तो हिमालय मेरा फोर्थ पॉइंट आता है, हिमालय वॉल्स। कभी सोचा है हिमालय नहीं होता तो क्या होता, इफ हिमालय डजंट कंसिस्ट हियर देन व्हाट हैपन, क्या होता अगर यहां होता ही नहीं हिमालय तो क्या होता, और हिमालय क्या करता है। देखो एक चीज में तो फोकस मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्लाइमेट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनालाइज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अल नीनो ला नीनो, रीजन, सारे थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, थर्मल कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, क्लासिकल थ्योरी, अपर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम्स, एवरीथिंग। तो इसलिए मैं इसमें चाह रहा हूं कि मैंने इसे तीन दिन और लिए, मैंने आपके एक बार मेरे संग पूरा रिवाइजन कर देंगे 18, 19, 20 जुलाई, ठीक है ना। ऐसे भागने से मतलब नहीं है कि अपन समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, आराम से देखो। ये है हमारे एशिया की स्थिति, ठीक है, ये है हमारा यूरोप। अब ये ऊपर का जो है ये लोअर एरिया है, जो एशिया का जो सबसे उत्तरी भाग है वो हमारा लोअर एरिया है, यस और नो, ओके। तो ये लोअर एरिया है यानी निम्न भूमि क्षेत्र, और फ्रेंड्स इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूं, पहले मैं इसे कंप्रेस करके डालता हूं जल्दी से जल्दी, जिससे आपको पता लग जाए कि आज 8:15 मेरी क्लास नहीं है लाइव, 7:15 मेरी क्लास हो चुकी है स्टार्ट, अभी मैं 7:15 से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं, कल से आपकी लाइव 7:57 हो रहा है यानी 7:15 से आप पढ़ रहे हो, तो कल से आपको लाइव मिलेगा। आज कुछ स्टूडेंट को नहीं मालूम था कि मेरी क्लास लाइव कब होगी, इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, ओके। इसको आप कंटिन्यू करोगे मेरे दूसरे लेक्चर में, और कमेंट जरूर कर दो अगर अच्छा लग रहा है मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। थैंक यू।